इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। नहीं नहीं, यहाँ पर यह डायलॉग अनुप्रिया को किसी अवार्ड के लिए याद नहीं आया, बल्कि यहाँ पर तो ताने की चाहत थी शॉपिंग, जो लंबे शूटिंग शेड्यूल की वजह से पूरी नहीं हो पा रही थी। लेकिन तानी, अब वो घड़ी आ चुकी है जिसका मानो आपको बरसों से इंतजार था, तो देर किस बात की, हो जाइए शुरू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, अब हम लोगों ने अपना ब्रेकफास्ट खत्म कर लिया है, पेट पूजा हो चुकी है, तो मैं आ गई हूँ कुछ शॉपिंग करने सेंटोसा रिसोर्ट से बाहर। ये है बुगी स्ट्रीट और ये सिंगापुर की स्ट्रीट मार्केट है जो नाइट मार्केट भी है। तो अब हम यहाँ पे थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे और देखते हैं कि मैं यहाँ से अपने लिए क्या ले सकती हूँ। हाँ दानी, हमें पता है कि शॉपिंग करना लड़कियों का जन्मसिद्ध अधिकार है, और चिंता मत कीजिए, आपसे आपका ये अधिकार कोई नहीं छीन सकता। सो लेट्स स्टार्ट। शॉपिंग करने जब दानी पहुंची तो इतनी सारी चीजें देखकर वो कंफ्यूज हो गई कि क्या खरीदूं। तो आगे की प्लानिंग करते करते और यूं ही कुछ सोचते सोचते वो कुछ एक्सेसरीज टटोलने लगी, लेकिन फिर उनकी नजर पड़ी इस व्हाइट कलर सिंड्रेला ड्रेस पर, और मानो पूरी दुनिया उनके लिए थमसी गई। वो उस ड्रेस के पास गई और देर तक उसे निहारती रही और बार बार उसे छूती कि कहीं ये सपना तो नहीं। बेगम दानी, ये सपना नहीं, ये सच की ड्रेस है, इसे जल्दी खरीदिए और यहाँ से निकलिए, क्योंकि सिंड्रेला की तरह हमारे पास भी कम टाइम है, अगर देर हो गई तो शायद हमें भी बिना जूतों के ही भागना पड़ेगा। चलिए चलिए आगे चलते हैं। और आगे जाने के बाद स्ट्रीट में जो शॉपिंग का दौर शुरू हुआ, भाई वाह, मजा आ गया, हमें नहीं तानी को, एक से बढ़कर एक आउटफिट्स, तरह तरह के फुटवेयर, और हमारी तानी एज यूजुअल, उन्हें तो सब कुछ चाहिए था। लेकिन लेडीज चाहे दुनिया के किसी भी कोने की हो, भाव ताव करवाने से नहीं चूकती, और सिंगापुर में भी हमें सेम टू सेम यही नजारा देखने को मिला। मैं बहुत थक चुकी हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने खूब सारी शॉपिंग की है, सारी कसर निकाल ली है, और अब मैं काफी थक चुकी हूँ, गला सूख गया है मेरा बात कर करते और बार्गेन करते करते। तो यहाँ ख़त्म होता है मेरा बुगी स्ट्रीट का ट्रिप, अब मैं जा रही हूँ वापस अपने कमरे में, और जो शॉपिंग की है जो मुझे याद भी नहीं है कि क्या है, अब मैं वो जाके देखने वाली हूँ, तो देखते हैं कि मैंने क्या क्या खरीदा। तो फाइनली हम शॉपिंग के मुँह से बचकर बाहर आ गए, अब समझ में आया तानी कि अनुराग पागल कैसे हुए थे। नहीं नहीं, हम तो मजाक कर रहे थे, लेकिन अगर आप थोड़ी देर और शॉपिंग करती तो हम तो समझ रहे ना। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन तानी एक बात तो हमें पता चली गई कि आप जितनी ब्यूटीफुल हैं, आपकी चॉइस भी उतनी ही ब्यूटीफुल है। तो तानी, शॉपिंग की राइड तो हो गई, अब तैयार हो जाइए असली राइड के लिए। सो गेट सेट गो इस एडवेंचर पार्क में, जहाँ पर राइड्स के अलावा और भी बहुत कुछ है। राइड जिसका नाम है रिवेंज ऑफ द ममीज। यहाँ पर इस पार्क की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर हर राइड का एक थीम है, और हर राइड के थीम से पहले उसका एक एम्बियंस क्रिएट किया हुआ है, और पूरा लुक एंड फील जो है इस राइड का बिल्कुल इजिप्ट जैसा ही है, ममीज और इनसाइड ऑल्सो। जब मैंने ये राइड जब मैंने एक्सपीरियंस किया इस राइड को, तो अंदर जो इफेक्ट है, फायर इफेक्ट एंड राइड का नाम है ट्रेजर हंट, और ये बहुत ही सिंपल सी राइड है, इसमें कुछ खास नहीं है, लेकिन जिस तरह से इन लोगों ने अगेन सब क्रिएट किया हुआ है, बीच में हिप्पोपोटामस है, फॉल्स है, बिल्कुल सफारी का फील दिया हुआ है, और बीच में एक छोटा सा मिनी लेक है, और जो ट्रैक है उसमें छोटी छोटी जीप जैसी, सफारी जैसी गाड़ी चल रही है, मतलब छोटे बच्चों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, जो ओ गॉड हिप्पोपोटामस आवाज भी कर रहा है। तानी तानी तानी,
इन सारी राइड से जरा जल्दी फ्री होने की कोशिश कीजिएगा। वो क्या है ना, आपसे बैठकर तफसील से कुछ बातें करनी है